जंगल कितना शांत है। हाँ, इस जंगल में भयानक भेड़िया भी नहीं है। भेड़िया? हाँ, क्या तुमने लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी नहीं सुनी? चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी वाली किताब से ये कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी नानी के घर जा रही थी। एक बड़े बुरे भेड़िये ने उसे घने जंगल में जाते हुए देखा। वह जल्दी से लिटिल रेड राइडिंग हुड की नानी के घर की ओर भागा। उसने नानी को अलमारी में बंद कर दिया। फिर उसने नानी की तरह कपड़े पहने और नानी के बिस्तर में घुस गया। रेड राइडिंग हुड जब नानी के घर पहुंची, उसने नानी को अपने बिस्तर पर देखा। क्या रेड राइडिंग हुड ने भेड़िये को पहचान लिया? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं पहचाना होगा। सही जवाब। उसने मन ही मन सोचा कि नानी तो अलग दिखती है। भेड़िया अब और इंतजार नहीं कर सका। वह बिस्तर से कूद गया रेड राइडिंग हुड को खाने के लिए। क्या भेड़िया रेड राइडिंग हुड को खा जाएगा? नहीं। आगे की कहानी सुन के पता लगाते हैं। वह जोर से चिल्लाई। नानी के पड़ोसी ने उसकी चीख सुनी। वह दौड़कर घर की ओर भागा। उसने भेड़िया को जोर से मारा। भेड़िया भाग गया। रेड राइडिंग हुड ने नानी को अलमारी से बाहर निकाला और पड़ोसी का धन्यवाद किया। उन्होंने बड़े भूरे भेड़िये को फिर कभी नहीं देखा। मजेदार कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद रानी। गैफी, इस किताब में हमें कहानी के अलग अलग भाग का पता लगाकर यह टेबल भी भरना है। चलो साथ में भरते हैं। सबसे पहले हमें कहानी के किरदारों यानी कहानी में कौन कौन थे उनके नाम बताने हैं। बच्चों, क्या आप गैफी और रानी की मदद करेंगे कहानी के किरदारों को जानने में? बिल्कुल सही। कहानी के किरदार हैं रेड राइडिंग हुड, भेड़िया, नानी और पड़ोसी। क्या आप बता सकते हैं कहानी के शुरू, बीच और अंत में क्या हुआ था? शुरुआत में रेड राइडिंग हुड अपनी नानी के घर जा रही थी, तब उसे एक भेड़िये ने देखा। बीच में भेड़िये ने नानी की तरह कपड़े पहनकर रेड राइडिंग हुड को खाने की कोशिश की और अंत में एक पड़ोसी ने उन्हें भेड़िये से बचा लिया। गैफी, तुमने कहानी की सेटिंग यानी कहानी में कौन कौन सी जगह आई थी ये तो बताया ही नहीं। जंगल। दोस्तों, इस कहानी में एक और सेटिंग भी है। क्या आप इस कहानी की दूसरी सेटिंग को अपनी नोटबुक में लिखकर उसका चित्र बना सकते हैं? इस वीडियो में हमने रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनकर उसके अलग अलग भागों को पहचाना।